नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जो गरीब आदमी जी रहा है उसको जीने नहीं देते। राशन कार्ड नहीं बन रहा, हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए। नमस्कार, टीवी 9 दिल्ली NCR एक बार फिर से मोहल्ला चर्चा लेकर आपके सामने आ गया है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। और आज शकरपुर के WB वार्ड में पहुंचे हैं हम। यहां पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या कुछ परेशानियां हैं, क्योंकि टीवी 9 दिल्ली NCR लगातार दिल्ली वालों के मोहल्ले में पहुँच रहा है, आपके मोहल्ले में पहुँच रहा है, और आपकी क्या कुछ परेशानियाँ हैं और क्या कुछ समाधान हो सकता है इस पर चर्चा कर रहा है। हम दिल्ली के कोने कोने में जाते हैं, तो आज हम शकरपुर के WB ब्लॉक पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ समाधान अब तक हुआ है या फिर क्या कुछ समाधान हो सकता है। तो ये यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, ठंड भी खत्म नहीं हुआ है, लोग धूप सेक रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे यहाँ पर इस इलाके में क्या कुछ परेशानी है। परेशानी क्या, इतनी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, कोई आने जाने की सुविधा नहीं है, नलियाँ गालियाँ सब गंदगी पड़ी है, दुनिया भर का गंद है। अब साफ सफाई नहीं होती ना जी, ना नवी सरकार आई है, देखो उसने क्या कर रखा है। अंदर गलियों में जाओ, देखो यहाँ के क्या हालात है, यहाँ कैसे हम लोग बैठते हैं आके। यहाँ तो अब थोड़ी सी झाड़ू मेरे का सुबह निकाला, इधर नाला बहता है। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर? अब परेशानी बहुत है, देखो गंदगी की परेशानी, धूप की परेशानी है, हैं? और जो गरीब आदमी जी रहा उसको जीने नहीं देते। बैठेंगे बेड मिल जाता है, नहीं तो जेंट्स ही सब अंदर पा रहा गर्मियों में, कहीं औरत के लिए तो जगह बिल्कुल है ही नहीं बैठने की। पार्क वार्क नहीं है इधर? यह है, उसके अंदर घुसने भी नहीं देते, वो दो बेंच लगे पड़े हैं बस, उस पर रात को बुजुर्ग बैठ जाते हैं, दिन को बुजुर्गों को भी जगह चाहिए। देखो हमसे तो फिर चल फिर लेते हैं, हम भी बुजुर्ग हैं, पर दिक्कत है ना बैठने उठने की, धूप की, हर चीज की दिक्कत है। अब कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या कुछ परेशानी है इस इलाके में? परेशानी क्या है, परेशानी कुछ नहीं है, सीवर भरा हुआ मिलता है यहाँ पर। देख आप खड़े हैं, कितने बदबू आ रहा है यहाँ पर, बदबू आ रहा है। बाकी हम लोगों ने पार्क का तो सही कर रखा है, पार्क अपना साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है ना, घूमने फिरने का कोई दिक्कत नहीं जो बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत कंप्लेंट तो चलता रहता है। स्ट्रीट डॉग्स यहाँ पर है, फिर जैसे देखा हमने कि यहाँ से गया तो स्ट्रीट डॉग भी काफी है, स्ट्रीट डॉग भी आजकल लोगों को बहुत काट रहे हैं कुत्ते, तो ये भी परेशानी है। हाँ कुत्ते तो बहुत है इस इलाके में, पूरे शकरपुर में सबसे ज्यादा कुत्ते हैं। शीवर सारे ओवर फ्लो हो रहे हैं और जो लाइटें लगी भी हैं तो कोई जल नहीं, किसी का वो दोबारा देख रेख नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो गई। और नालियाँ भरी पड़ी रहती हैं, पानी भी गंदा आता है कुछ, और नालियाँ भरी पड़ी हैं, नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। ये सारी सड़कों का हाल भी हम देख पा रहे हैं, सड़कों का भी हाल आपके सामने है, सारी खुदी पड़ी है, सब बेकार हो रही है। तो इसके लिए आगे बात की काउंसलर से, कुछ बात हुई? काउंसलर से आते हैं, बोलते हैं, अब कहते होगा होगा, अब जब होगा तभी देख पाएंगे, जब होगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, समाधान कुछ भी? बिल्कुल समाधान हो ही नहीं रहा है। अभी आप जो है थोड़ा आगे चले जाओ, ये WB में और वो गणेश नगर एक्सटेंशन में सारे शीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, कोई भी सफाई नहीं, नालियां तो भरी पड़ी हैं, ना वो दोबारा बनी है, जब से बनी है ऐसी ही है, कुछ भी नहीं हुआ उनमें। गंदगी काम बाहर, गंदगी बिल्कुल बाहर, कोई गंदगी जो है खत्म नहीं हुई अभी। तो शकरपुर का WB इलाका जहां पर लोगों को काफी परेशानी हो रही है, यहां पर हर तरफ गंदगी है और सड़कों का हाल बेहाल है, नालियां भरी पड़ी हैं, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर अगर बात करें देखा जाए तो क्या यहां पर CCTV कैमरास लगे हुए हैं? हाँ उधर लगे हुए हैं, गलियों में लगे हैं। यहाँ हमारे स्कूल के पास तो रोज ही आए दिन कांड होते रहते हैं, कभी कुछ, स्कूल के पास कैमरा लगना चाहिए। स्कूल के पास कैमरा नहीं है? नहीं, सब गलियों में लगे हैं। तो आपने कंप्लेन की इसके लिए? नहीं हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम तो किराएदार हैं, हमें क्या, वही है ना, मकान मालिक भी बोला था एक कैमरा लगा था यहाँ पे, वो भी नहीं लगा। और यहाँ पर चोरी वोरी भी होती है? चोरी तो बहुत होती है यहाँ पे, दिन में ही चोरी होती है, दिन में ही। यहाँ पर क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पर? देखिए बुजुर्ग आदमियों के लिए सड़कें जो है ना, अब बुजुर्ग आदमी इधर उधर पैर रखता है, ये सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, तो इससे परेशानी होती है, जो ज्यादा बुजुर्ग हैं वो चलते चलते लगता है कि कहीं गिर ना जाएं। आप लोगों को इस इलाके में क्या कुछ परेशानी है? बेटे हम यहाँ रहते नहीं, हम उधर रहते हैं। तो राशन कार्ड नहीं बन रहा, हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए, हम बड़े परेशान है राशन कार्ड। राशन कार्ड नहीं बना? नहीं नहीं नहीं, हमारा राशन कार्ड नहीं बना। इसके लिए क्या कुछ कंप्लेन, क्या कुछ बात हुई? हम लिखवाने गए थे तो आए ही नहीं, 2 साल हो गए मैं भाई।
दो साल हो गए अब तक राशन कार्ड नहीं बना। और बाकी अभी जो नए काउंसलर बन के आए हैं उनसे बात हुई, वो आते हैं कभी यहाँ पर? कोई नहीं आता बेटा, कोई नहीं आता। तो राशन मिल ही नहीं रहा है? नहीं, हमें तो कई 10 साल से नहीं मिल रहा, 10 साल से राशन नहीं बना था, कैंसिल कर दिया उन्होंने हमारा। आपकी क्या कुछ परेशानी है आप बताइए? यही परेशानी मेरी है, राशन कार्ड की परेशानी। राशन कार्ड हमारा नहीं बन रहा, हम बहुत परेशान है, गरीब आदमी क्या खाए, सरकारी नौकरी। दिल्ली को, दिल्ली में तो मेयर नहीं बन पा रहा है, आप तो राशन कार्ड की बात कर रहे हैं। 3 बार जो है वो मेयर चुनाव टल चुका है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के हंगामे के बीच, और आप राशन कार्ड की बात कर रहे हैं, मेयर नहीं मिल पा रहा है दिल्ली को, राशन कार्ड तो दूर की बात हो गई। फिर बस हमें यही परेशानी है, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा ये बताओ, हमारे ना कोई काम है ना धंधा है, कुछ नहीं है, ये देखो हम तो इतने परेशान हैं। हाँ, क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर? नहीं बेटा, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि ये सड़क बन जाए। सड़क की परेशानी है? सड़क की है, मैं यही चाहूँगी कि ये गड्ढे अड्ढे भर जाएं, यहाँ पे पानी भर जाता है तो मच्छर लगते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं वो कई समय से अपने इलाके में देख रहे होते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं, या फिर सरकार बदलती है तो कैसे हालात बदलते हैं, तो इनसे हम जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, क्या कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर आपके इलाके में? हाँ, नाली नहीं सफाई हो रहे हैं, गंद आती है, रोड नहीं, रोड पर झाड़ू नहीं पड़ते हैं, दूल्हा जो गाड़ी जाती है सब दूल्हा वो उठते रहता है, यही तकलीफ है यहाँ पर। तो ये MCD की सरकार अभी बदली है, तो पहले कैसे हालात थे? MCD में अभी सरकार बदली है, जब BJP की सरकार थी तब कैसे हालात थे? वो ऐसे ही हालात थे, MCD काम ही नहीं करती है। नहीं काम करती है। क्या कुछ परेशानी है यहाँ पर? हमको परेशानी ये है कि लोग अब लूट रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, यहाँ गंदे करता है, लोग बैठते हैं तो वो अपने कमरा में इत्र सेंट देते हैं, लेकिन हम लोगों के नजदीक नहीं देते हैं। मतलब इतनी ज्यादा बदबू है सीवर इतने में? आज से नहीं, बहुत लंबा समय से ऐसे ही है। अरविंद केजरीवाल दूसरे पार्टी को नहीं देता है कुछ अलॉटमेंट, वो कहता है कि काम करेगा तो उसको वोट मिलेगा, हम उसको कमें नहीं करने देंगे। यहाँ पर नेकी की दीवार लिखी हुई है पर उसके नीचे गंदगी है, स्मेल आती है सर बहुत ज्यादा इसमें, यहाँ पर सारे कपड़े वैसे पड़े हुए हैं गंदे, इसे हम लोग बैठते हैं परेशानी होती है। और ये रोड नहीं बना, 40 साल हो गए, सीवर की भी कोई व्यवस्था नहीं है सही, सीवर की भी व्यवस्था नहीं है कोई सही, सारे ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से बात, इसका डेवलप नहीं हुआ, 40 साल से ये ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। मतलब दो तीन चले गए ना तो उनके ऊपर अभी तक नहीं हुआ, ये रोड करीब 15-20 साल के करीब हो गया है। तो यहाँ जो पार्षद हैं, न्यू काउंसलर बने, वो आए हैं यहाँ पर? हाँ, एक दो दफे तो आए हैं। तो उनको आप लोगों ने बताई समस्याएं? उनको मालूम है, उनको सब मालूम है, यहीं के रहने वाले हैं, सब मालूम है उनको। कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर घर है उनका? घर तो मालूम नहीं, घर तो नहीं मालूम, वैसे वो आते रहते हैं, उनको बताया हुआ है, सब कुछ कहा गया है, वो बोले कि कराएंगे, अभी नए नए बने हैं। बाकी के ये आप यहाँ से वहाँ तक चले जाइए फाटक तक, सारे जो है नालियाँ शीवर सब तो में भरे मिलेंगे। तो शकरपुर के WB वार्ड में हम पहुँचे थे और यहाँ पर हमने लोगों से बात की और उनकी परेशानियाँ जानने की कोशिश की। परेशानियाँ बहुत हैं, समाधान कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि पिछले 40 साल से ऐसे ही रह रहे हैं, सड़कों का हाल बेहाल है, नालियाँ भरी पड़ी हैं और वहाँ पर भी जो गंदगी और बदबू से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे ही दिल्ली के हर कोने में हम जा रहे हैं, वहाँ से लोगों से बात करें और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या कुछ परेशानी है। अगर आपके इलाके की भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट करें और कमेंट में लिखें अपने इलाके का नाम और चाहते हैं कि हम वहाँ पर मोहल्ला चर्चा करें तो ये भी मेंशन करें। साथ में हमें ट्विटर पर टैग करें @TV9DillyNCR पर। प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।